खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा पंदाना पुनासा हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। नमाज पढ़ने जा रहे इमाम और नमाजी युवक पर आंख में मिर्ची डालकर चाकू मारने के मामले में खंडवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 4 नाबालिग और 1 बालिग आरोपी है। शहर में अशांति का माहौल बनाने के लिए इन आरोपियों का उपयोग किया गया था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। इन सभी ने उज्जैन के कुख्यात गुंडे दुर्लभ कश्यप की तरह अपना नाम मशहूर करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 16 से 17 वर्ष के 3 बाल अपचारी बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपितों ने एक अन्य 16 वर्षीय किशोर और आरोपित राजा राठौड़ के साथ इमाम और नमाजी युवक को चाकू मारना कबूल किया। पूछताछ के बाद इन तीनों बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। राजा और उसके साथी किशोर की तलाश की जा रही है। 5 मुख्य आरोपियों के अलावा इस मामले में पुलिस को साजिश रचने वालों की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर 5 आरोपियों से यह हमला करवाया। पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में यह बात निकल कर सामने आई है। वहीं अब पुलिस उन्हें उकसाने वाले लोगों तक पहुँचाने में लग गई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने इन नाबालिगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अंजनीटा की तिराहे से कुछ दूर गली में मोहम्मदी मस्जिद में नमाज पढ़ाने जा रहे इमाम शेख हुजैफा पुत्र शेख फाजिल निवासी हरिगंज और नमाजी युवक मोहम्मद तलाक के सीने पर चाकू मारकर दोनों की हत्या का प्रयास किया गया। रविवार को रात में करीब 8 बजे हुए इस घटना के बाद से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पदम नगर थाने में इमाम शेख हुजैफा और मोहम्मद तलाक की शिकायत पर अलग अलग प्रकरण दर्ज किया था। आरोपितों पर धारा 307 सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई थी। पुलिस ने इस चुनौतीपूर्ण मामले को 24 घंटे में ही सुलझा लिया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि बाल अपचारियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह उज्जैन के मशहूर गुंडे दुर्लभ कश्यप की तरह बनना चाहते थे, जैसे कि उनका भी बड़ा नाम हो। इसके लिए उन्हें कुछ अन्य लोगों ने इस प्रकार की घटना करने के लिए उकसाया था, इससे उनका नाम भी शहर में मशहूर हो जाए। पुलिस अब उन्हें उकसाने वाले लोगों के बारे में पता लगा रही है। मस्जिद पहुंच मार्ग की गली में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसमें मोहम्मद तलाक के साथ हुई घटना का वीडियो कैद हो गया था। पुलिस ने वीडियो और DVR जब्त कर आरोपितों की तलाश शुरू की थी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपित नाबालिग हैं, तीनों ही 16 से 17 वर्ष के हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस को इन तीनों आरोपितों के अलावा कुछ और भी संदिग्ध नजर आए हैं। इनकी संख्या करीब 4 है। इन्होंने ही वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा था। टीम भारती न्यूज। ये कल 5 फरवरी 2023 को थाना पदम नगर के अनिज टॉकी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पे शेख हुजैफा और मोहम्मद तल्ला, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। इसमें मोहम्मद तल्ला के आंखों में मिर्च भी झोंकी गई थी, और जिसके आधार पर तत्काल इसमें टीम्स एक्टिव हुई थी। कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे, कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली थी, और जिसके आधार पर इसमें हमने आरोपियों को चिन्हित किया था, और 3 अपचारी बालकों को हमने अभिरक्षा में लिया है। और उसके बाद बाकी जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक घटनाक्रम जिसमें शेख हुजैफा पे हमला हुआ था, उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 अपचारी बालक और 1 बालिग राजा राठौर नाम का आरोपी है। और दूसरे जो घटनाक्रम था उसमें 2 अपचारी बालक और 1 राजा राठौर नाम का आरोपी है। तो इस प्रकार से 2 जो 307 के प्रकरण थे उसमें हमको जो मेन आरोपी उनके नाम का क्लियर हो गया है। 3 उसमें गिरफ्तार हैं, रक्षा में हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जब घटना का कारण वगैरह पूछा गया तो ये आया कि ये कुछ आपराधिक तत्वों के संपर्क में हैं तथा ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप नाम के गुंडे से प्रभावित भी थे, ऐसा उनके मोबाइल वगैरह में भी जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ फिर इस चीज़ का कुछ अन्य आपराधिक तत्वों ने इनको फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम की तरफ प्रेरित किया जिससे कि शहर का माहौल कुछ ख़राब हो, और जिसकी वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इसमें हमने जो बाकी लोग के इन्होंने नाम बताए हैं उसको विवेचना में संलग्न किया है, और जैसे उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई होगी।
और जो भी शहर का माहौल ख़राब करना चाहता है उसको कानून सम्मत उसमें कार्रवाई हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो दो जिनको चोट लगी थी या जिनको साथ घटनाक्रम हुआ था, शेख हुजैफ और मोहम्मद तल्हा, तो मोहम्मद तल्हा दोनों लोग इंदौर में इलाजरत हैं। मोहम्मद तल्हा अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और जल्दी उनको संभवतः डिस्चार्ज करके किया जा सकता है। और शेख हुजैफा अभी ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स की टीम उनको नज़र रखी है, हमारी पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है और हम पूरी तरह से प्रशासन और सब लोग मिलके और बेहतर उपचार उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों से अपील है कि शहर का माहौल जो भी ख़राब करने का कोशिश करें उसका साथ ना दें और सभी लोग संयम रखें और किसी प्रकार की कोई जानकारी लगती है तो पुलिस को सूचना दें, कानून को अपने हाथ में न लें और जो भी इस तरह के अगर कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो बातें आ रही हैं तो उसके आधार पर हम उसका साक्ष्य संकलन करें, अगर कुछ पाया जाता तो उसमें आरोपी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। सर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको मोटिवेट करा है इस तरह की हरकत करने के लिए? जो भी, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाता है, कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं और जो कि स्ट्रांग होते हैं तो उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर माना जाएगी कोई मतलब इस तरह से जो है बालमन को प्रभावित करके अपराध करने के लिए प्रेरित करना है? बिल्कुल, ऐसा ही समझ लीजिए कि नाबालिग बच्चे हैं, उनको आप क्योंकि कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं और उनको इस तरह से आप इस तरह से गलत काम करने के लिए प्रेरित करें तो निश्चित रूप से। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।